मैं कह रहा सां के उन्हां दे नाल जणा ना पूरा अस्सलाम अलैकुम वड्डियो भट साहब कल्ले सलाम नाल कम नहीं जी चलना ओ नवा साल आ गया कुछ जफी शफी पाओ को ममता वदन ओए हुजूर वड्डियो हम तो दिल की अथाह गड़ाइयों से आपकी इज्जत करते हैं हमें आपसे वैसे ही लगावट है और इसमें कोई नहीं बनावट है। यार रशीद उम्मीद अब भट जी हमारी तरफ से भी आज मुबारकबाद नए साल की कबूल करो और इस मुबारकबाद के साथ साथ नए इलेक्शन की अच्छी इब्तिदा भी कबूल करो। मैं तो आपको एडवांस में मुबारकबाद पेश करना चाह रहा था। एडवांस में मुबारक ना मेरा ब्याह हो रहा है ना ही हमारे घर कोई काका हुआ है तो किस चीज की मुबारक। मैं कभी उस चीज की मुबारक नहीं दूंगा जो होना ही नहीं है कभी। और मैं तो इलेक्शनों की बात कर रहा हूँ शहजादे, इस बार इलेक्शनों में आप लोगों ने ऐसे उतरना है जैसे पैर में से जुराबे उतरती हैं। मुझे तो लगता है इस दफा आप कुर्सी पे गोंद लगा के बैठने का सोच रहे हैं, कभी उठना ही नहीं है उससे आपने। अरे बट तू बड़ी अच्छे से जानता है हमें तुझे मुंह तोड़ जवाब देना बहुत चंगे से आता है। मुस्किनों के मुंह तोड़ते हो किसी दलेर आदमी से, जिस दिन पर गया तुम लोगों का वाह लग पते जाएंगे। अब्बा जी समझाओ सैनू वरना आपको पता है फिर मेरे कसूरों को गुस्सा आ जाता है। अनायत जट साहब, समनाबाद का काउंसलर कह रहा था कि जट साहब के बेटों ने इतने साल तरक्की के लिए कहाँ काम किया। और क्या बात कर रहे हो उल्फत मुगल साहब, और इन्होंने अपने मोहल्ले में कोई काम नहीं किया, इन्होंने जितना काम किया है ऑस्ट्रेलिया में किया है। बड़ साहब ऑस्ट्रेलिया नहीं होता ऑस्ट्रेलिया होता है। ओए ऐसे तो साहब ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होता ऑस्ट्रेलिया होता है। और उल्फत मुगल साहब इन्होंने जहाँ पर भी काम किया है ना ऐसी जगह पर किया है जो वर्ल्ड मैप पे है ही नहीं। ओ छोड़ो यार इस लड़ाई नू, गोली मारो हैं, मिट्टी पाओ हैं। बट साहब नवा साल है मोहब्बतें वधनी चाहिए ने, आज तुसी जट हवेली आओ रात का खाना साडे नाल खाओ अपने पूरे अहलो याल नाल आओ। ओ जी हुजूर आपका आर्डर लोहे का गाडर और गार्ड फादर, आपने हुक्म दिया तो बाटा थोड़े खिदमत हो जाएगा। बिल्कुल सही, बाट साहब आगे पहले खाना चख लो फिर हम आपको हार भी चखवा देंगे। हाय 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 वाह क्या बात है, पहली बार मेरा निका भरा लगा है। अब जी इसे कहते हैं जिथों की खोती, माफी चाहता हूँ जिथों का खोता उसे अनखलोता। ओए अल्लाह जानता है बड़े लकी सो तुम लोग, बड़े लकी सो। ओए बड़ों का हम लिहाज करते हैं वरना हमें इस तरह की कोई बात करके जाए कहाँ। और तुम दोनों को तो चाहिए दड़गांव पे जाओ, हाजड़ियां दो और न्याजे मानो, इनकी वजह से बचे हुए हो वरना तुम लोगों ने आज तक बट को मारा ही है, बट की मार नहीं खाई। मुझे लगता है बट बहादुर का फिर दिल कर रहा है। ओ यार छोड़ो ना इन गल्लां नू, बार बार लड़ाई की गल कर रहे हो। बट जी पूरे फैमिली नू लेके आओ शुकड़ करो बट बहादुर का भी मगज नहीं फिरता। अल्लाह खैर। हेलो व्यूवर्स, न्यू ईयर न्यू लुक, हेयर जट की जलवा कर मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन 1 2 3 हीरो क्यों मेरी बैंड बजवाना चाहते हैं, डायरेक्ट बालकनी से घुस के आ गए आप। अब डरने का वक्त नहीं है, बैंड बाजा बरात ला के आपको अपने घर लेके जाने का वक्त है। अगर आपको पता चल गया तो मेरा कचूमर निकाल देंगे, इतनी तेजियां दिखाने की आपको क्या जरूरत थी, कल रात को ही तो मिले थे हम। हैं? साल का पहला सूरज चढ़ा है, आपका चेहरा देखे बगैर कैसे आवाज कर सकता था। सच कहूं? नहीं रहा गया आपके हीरो से। पर मुझे अभी मेकअप भी करना है, मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो भी बनानी। मेकअप?
आपको मेकअप की क्या जरूरत है? आप पे तो नेचुरल ब्यूटी फिल्टर लगा हुआ है, B6। जरूरत तो नहीं है, लेकिन वीडियो के लिए ना मेकअप करना पड़ता है थोड़ा बहुत। आज हीरो बट करे आपका मेकअप? नो, मुझ पे ट्रस्ट नहीं है आपको? नहीं, क्योंकि मेकअप के मामले में मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। सिर्फ 5 मिनट? नहीं यार, आपको सिर्फ 5 मिनट। ये मेकअप करना है, नूडल्स नहीं बनानी। 5 मिनट? अच्छा, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो अपनी विश पूरी कर लें। बैठे, कंफर्टेबल फील कर रही हैं आप? बहुत। वो उसे क्या कहते हैं जिसे आंखों के खड्डे और दानों के खड्डे छुपाते हैं? आंखों के नीचे खड्डे तो वैसे मेरे हैं नहीं, लेकिन उसे फाउंडेशन कहते हैं। हाँ, फाउंडेशन। देखिएगा, आज ऐसी फाउंडेशन खड़ी करूंगा कि बिल्डिंग की ऐसी की तैसी। हिल के तो दिखाए। 5 मिनट बोलती रहेंगी तो टाइम बढ़ जाएगा। कैन आई टच यू? 4 मिनट, जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3.5 मिनट, जल्दी। दर्द हो रहा है? मेरी स्किन उतार देंगे आप। अल्लाह ना करे। 3 मिनट, जेंटली कर देते। हाँ, जल्दी। तो वो जो आंखों के बॉर्डर को डिफाइन करते हैं पेंसिल, उसे क्या कहते हैं? आईलाइनर कहते हैं उसे, वो पड़ा। टेढ़ा नहीं लगाना। 1.5 मिनट। वो लिप्स की स्टिक कहाँ है? वो है वो लिपस्टिक। नजर का टिक्का, ऐसे ही किसी की बद नजर ना लग जाए इतने खूबसूरत चेहरे को। 5 मिनट में पूरा कर दिया। देखो शीशा। मुझे फिर मसौड़ी बना दिया। हीरो! इतनी अच्छी अच्छी लग रही है। ओ मेरे प्यारे बट साहब, मान जाना, अब तो दादाजी ने भी कह दिया, बंदा इनकार करते भी तो पैड़ा लगता है। ओ निम्मी, मेरा दिमाग ना खराब कर, मेरा मीटर फिर गया ना तो मैंने बहुत बुरा पेश आना। मैंने उनके घर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अब पिछली बार याद है उन्होंने मेरे साथ जो हरकत की, एन इलेक्शन की रात को मेरे लिए खाना भेजा वखरा, कि ये सिर्फ बट साहब को खिलाना, सिर्फ बट साहब को खिलाना। मैंने खाना खाया, सवेरे में कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, मैं घर में बिजी ना ना होता तो इलेक्शन बट साहब का था। तेरी पड़ा बंदी की ऐसी की तैसी। अल्लाह से डरे बट साहब, कट्ठे बैठने से ना गिले शिकवे दूर होते हैं। अल्लाह को आपकी बात ना पसंद आई तो ऐद की फिर आपने इलेक्शन आ जाना है। ओ तेरे मुंह में 7 चुल्लों की सुआ है, खबरदार अगर इस तरह की कोई बात की मैंने तेरे जवाड़े तोड़ देने हैं, याद रखना। हाँ, बड़े शफकत चीबा बने फिरते हैं,
ये बटड़ी खुल गई ना तो इसने भी क्लाशनकोफ की तरह बज रहा है। लड़ने से मना नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, लेकिन लड़ाई जरा आवाज में भी हो सकती है। मैं गली से गुजर के आ रहा था, सब मेरी तरफ आगे पहाड़ के देख रहे थे। गली के कोने तक आवाज आ रही है आप दोनों को। इसको समझा अपनी माँ को, मैं तो ऊंची आवाज में बात नहीं करता। मैं तो दोनों को समझा रहा हूँ ना बाजू। कल्ली उसको समझा, कल्ली को। अम्मी क्या मसला है आपके साथ, समझती क्यों नहीं है आप? तेनू तो मैं समझानी हूँ, बड़ा होया मैनू समझान वाला। मुंह सजा के रखा हुआ है जैसे तरबूज होता है। हाँ बट साहब तो मुझे बातें बना रहे हैं, जिसका अपना मुंह गर्मे वर्गा हो वो किसी को कैसे बारी बातें ले सकता है। ये फ्रूट फ्रोशों वाली जुगतें जो है आहिस्ता आवाज में भी हो सकती है, बेइज्जती हो रही है बात। ओए चिरी कार जाने का कह रही है। अम्मी हजूर ये कोई उम्र है आपकी चिड़ियाघर जाने की? अच्छा क्या मतलब है तेरा? और क्या सोचेंगे इलाके वाले? और मेरी जो उन्होंने बिस्ती की है तुझे पता नहीं है? अब गली के अंदर खलोगे, मुझे जुकते मारी है जुकते, मैं अपना विक्ट्री का निशान बना के निकला हूं, इधर सिगरेट फंसा दिया, मैं भी फिर चुप के सुते है। मैं किसको? सिगरेट को और किसको? मैं नहीं जाना है। हीरो बर्ड को तो लगता है कि आपको जाना चाहिए। सपोर्टर क्या सोचेंगे? इतने शी जवान बट साहब जिनकी कैंपेन का कोई सानी नहीं है, जिनकी बहादुरी के किस्से दूसरी यूनियन काउंसिलों में सुनाए जाते हैं, वो जटों की एक छोटी सी रोटी से डर गए। रोटी मैं नहीं खानी उनके कड़ से। आपको पता है असली लीडर कौन होता है? कौन होता है? तारीख गवाह है, तारीख के पन्नों पर लिखा है, वो लीडर जो दुश्मनों के इलाके में गया है सिर्फ जंग करने नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने। तो पूरी दुनिया ने कहा है कि लीडर यही है, लीडर यही है, असली लीडर, असली लीडर यही है। कपड़े कौन से स्त्री की हैं? ओ शाबाश जूंदारा मेरा पुत्र, मैंने आपका नया कुर्ता शलवार स्त्री की है, आप बस तैयारी पकड़े। ओए माया वाला सूट स्त्री कड़ी, बट बादल जब चले तो खड़ खड़ की आवाज आनी चाहिए, खड़ खड़ की, बट बादल जा रहे। और तुझने मैनु चक्के फिंदे गुड्डे की तरह डरा ही दिया था, मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। अच्छा हार्ट फेल हो जाना सी, तुसी केड़ी खुशी च डाकू रानी बने हो हैं? और वो भी न्यू ईयर ईव दे दिन। तुसी बड़े लैंडलॉर्ड हो जो मैं डाका डालूंगी हैं? हाय मैं तो अपनी अड्डी वाली जूता ढूंढ रही थी। हाय 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 तोबा तोबा तोबा, हाय बदबूदार मोजियां च पैसे रखे। ना छेड़ बदबूदार पैसे, दो तीन वारदातें हुई ने, मेरे पैसे गायब होने शुरू हो गए ने। मैं क्या इनू बदबू वाली जुराब च रखो, कम से कम मेरी जुराब से सूंघे पैसे लैन तो पहला। दसो लगता तानू भी कोई पैसे नहीं जरूरत है, किन्ने पैसे चाहिए? 5 लाख। 5 लाख थोड़े को काट नहीं हो सकते? 2 लाख काट दो। यहाँ है यार ना काम चलेगा। ठीक है। हेलो ए प्रो पंजा, ए प्रो हजार, पूरे 50,000 हो गए। मैं तेनु कदे माफ नहीं करांगी ना ए जट, तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर छड़ी है, 2 साल वाले दिन भी कंजूसी। और तूने कब तक जीना है, कब तक मेरी जान खानी है, कब तक मेरे साथ धन धना धन धन धना धन 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 मैं सारी उम्र तेरे सिर से बैके दन दना दन दन करना वे, ते तेनु अपने नाल लेके जाना वे, एले फाड़ अपने 50,000 ते नवी हवेली बना ले।
ओ फरीदा बेगम ना जा, ओ फरीदा बेगम ना जा, तू ऐथे रह जा, तेरा कमरा है ते मैं चला जाना वा विच के आज न्यू ईयर ईव। फरीदा बेगम ना जाई, फरीदा बेगम ना जाई, फरीदा बेगम ना जाई। रिड़किया लस्सी का गिलास लग रही है। ओ जी दादा हजूर और दादी हजूरी का हुक्म था, तू आना ही था। वैसे भाई जान ने तू जानी है साहब में की होती है ना, आप जानती हैं। फिर भी कौन से छेती छेती आ गए, 6 साल बाद आए हो तुसी। ओ चले आसड़ तो हो गए हैं ना जी। हेलो 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 माय डियर बट्स, वेलकम टू द जट हाउस। की हाल है भाई? अब्बा जी, अम्मी जी, वेखो परौने आ गए। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ओ जी आया नु जी, जी आया नु। खैर खड़ी है ते? जनाब हीरो बट साहब, क्या हाल है आपके? हेलो, क्यों गए हो जनाब? आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ। अगर आपकी इजाजत हो तो एक गुजारिश करो। हाँ जी जरूर, बिल्कुल। ये थोड़ा नहीं बनाना आपने, आपका ये जो देवड़ है ना जी, ये जब नवा नवा पुलिस में पढ़ती हुआ है ना, इसको इतना फाड़ा था और मुझे चौक में खड़ा करके मेरे पैसे निकाल लिए। बट साहब आपको ये तो याद है कि मैंने आपसे पैसे निकलवा लिए, लेकिन आपको ये क्यों नहीं याद कि 2 FIR मैंने आपकी खारिज कराई थी। कच्ची रिपोर्टें थी, आपने 2500 रुपया लिया फील्ड रिपोर्ट। वैसे जब आपने मेरे पैसे निकाले थे ना, मुझे बहुत दर्द हुआ था। हाँ है अरशद पाए ने, वो पैसे कड़े सी या दाढ़ कड़ी सी जो एडी पीड़ होई? यार पापी बड़े बखौल कर दिए कुड़ी, मैंने तो कदी दफा ऐ लगता है कि किसी मखौलियां दे खानदान तो ताल्लुक रखदे। और जी हीरो भट जी, आजकल क्या हो रहा है, कोई काम काज शुरू किया है या फिर एज इट इज? नहीं जी, आजकल तो बड़ा कारोबारी हो गया है जी, अब तो सवेरे फजर के टाइम पे उठता है। कौन भट जी? मेरा पुत्र। अच्छा। फजर के टाइम पे नमाज फजर अदा करके फिर सीधा चला जाता मेरे गोदाम, मेरी फैक्ट्री लोहे की। अच्छा जी, इसका मतलब है आजकल तो फिर थोड़े पे थोड़ा, थोड़े पे थोड़ा, थोड़े पे थोड़ा ही बन रहा होगा। ओ जी थोड़े पे थोड़ा, बेटा बाप से भी गोड़ा। वैसे मीत पाए ने ये बच्चों और बच्चियों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। कौन पापी जी? मेरा शहजादा, मेरा हीरो, और कौन? अच्छा जी, ओहो ऐसे गुडमैन दी लालटेन है, एदे अंदर पूरे दा पूरा जैकी चैन है, पता इस तरह उड़ उठ के किका मारदा है कि मैं की दसा। आप सही कह रही हैं दादी जी, बंदे में दम तो है। बड़ा आइटम है, बड़ा आइटम है। मैंने किसी दिन शौक में तेरा डांस रखना है। एनी टाइम। भाई पुत्र, मैं आज बहुत खुश हूं कि पुरानियां रंजिशां, पुराने एक दूजे नाल गुस्से, लड़ाइयां, उन्हां ते मिट्टी पा के सारे इकट्ठे बैठे हो। हुण मेरी ख्वाहिश है कि बहुत इंसाफ नाल एक दूजे नाल चलना। ओ बेशक अब्बा जी, बेशक, जो आपका हुक्म, आपका आर्डर, लोहे का गार्डर, बल्कि मेरे लिए तो गॉडफादर। दादाजी मैं भी एक बात बताऊं आपको, आपको पता है मैं ना इकोनॉमिक्स के 2-3 सवालों में फंस गई थी, हीरो जी ने मेरी भी बड़ी हेल्प की थी, मुझे 2-3 घंटे बड़ी अच्छी ट्यूशनें पढ़ाई थी,
फिर मेरा मतलब है जी कि हमारे अब्बू हजूर तो सारी जिंदगी हमें यही तरबियत दी है कि लोगों की मदद करो, और वैसे भी फर्ज है मेरा, अब्बू ने कहा है। वैसे तेरी शक्ल बिल्कुल इस तरह जिस तरह बिल्ली ने दाड़ी रखी हो गया। हीरो जी, आपको इतना हीरो बनने की क्या लोड़ थी? डर गई? नहीं, क्या लगा था आपको कि हीरो बट आज साड़ी की साड़ी बातें सबके सामने करने वाला है? देखें, जब तक हमारी माएं दोनों खानदानों को कायल ना कर लें, हमें सब कुछ लुक छुप के करना होगा। लुक छुप के तो कर रहे हैं। हाथ? नहीं नहीं, मेरे सालन लग गया ना, धोना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाले, ये तो नहीं होगा क्या आप भी तेवर बदल लें? क्यों, आप चाहते हैं कि मैं अपने अब्बे के वट्टे को सपोर्ट ना करूं? नहीं नहीं, कड़े ले लो जान से कड़े। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने अब्बा जी के इंतखाबी निशान की तरह हमारे रिलेशनशिप पे भी वटे ना मार दीजिएगा। ये तो वैसे मुझे आइडिया है कि अपने हाथ को ना मुझे थोड़ा सा हौला रखना होगा। मैं तो कहता हूँ दफा करेंगे इलेक्शनों को। चलो कहूँ मरी? क्यों? ठंड यहाँ नहीं है। और मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ मरी। वो दादी हाथ धोने के लिए मैं। अब फड़िया गया है ना, हैं? H for hero। चल मेरे नाल, चल। अल्लाह, अब क्या करें? क्या करें? चल अंदर आ। एक गल मेरी कान खोल के सुन ले। मैं बड़ी जांच दीदा औरत हूं और तुझे देखते ही समझ गई थी कि तू ऊपर ऊपर से लकड़ अकड़ और अंदर से बड़ा बीबा बच्चा है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पुत्र, जे मेरी हीर को तूने कोई दुख दिया ना तो मैं। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना ही करे, नहीं ते मैं मार मार के छितर तेरा हशर नशर कर देना। अब तो सारा कुछ ही कबूल है दिलो जान से। मेरा तजर्बा कहता है कि खुशहाल जिंदगी का एक कोई मंत्र है। अब 9,500 बातें बता दी हैं तो आखिरी भी बता दे। बंदे नु खामोश रहना चाहिए। आप कुछ कह रही हैं, मोहल्ले की कहानियां कुछ और कहती हैं आपके बारे में। वो
सारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि आपके और दादा की जंग में कभी सीज फायर होता ही नहीं है, खड़ाक जारी रहते हैं और आप ओ पुत्र, अब बुढ़ापे में और क्या करना है, ऐ रौनक मेला लगा रहता है, दिल लगा रहता है। जी बड़ा वैलिड पॉइंट है। बदमाश करके हैं, मैं तुझे नसीहत कर रही हूँ और तुम मुझे ही लपेटे जा रहे हैं। बात एक मुझे नहीं आती ऐसी बात करनी, पर कर रहा हूं कि घर वालों को कैसे मनाएंगी हीर और हीर के लिए। ओ, जब विला आएगा ना तब देखेंगे, ऐसे मैं एक दो ड्रामे देख रही हूँ, इसी पे होमवर्क कर रही हूँ। वो दादा और अब्बू आप दोनों को बुला रहे हैं। अब आप जाए ना, हम हाजिर होते हैं। सारे मोहल्ले में ये बात करते हैं कि घर वाले आपकी कोई बात नहीं टालते, हीरो के दिल में बस अब हीर है। मना लीजिएगा सबको। चल जा, चंड मारांगी। चंड मारांगी, जैकेट सारी खराब कर दी है। ओए चल। शामी कबाब कैसे थे? मैं कहता हूँ जी, ऐसा लुत्फ आया है। आए हाय, क्या आपने माशाल्लाह बड़ा को जो है उसको छोटा छोटा काट के पकाया है कि लुत्फ आ गया। आज मैं भी बहुत जरूरत तो ज्यादा खा गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, खाना भी चाहिए था सी। मैं तो अपने पुत्र को अब एक बात कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ यार उनके पास तो टिकटॉकर है, वो तो उनके वोट बढ़ा रही है, तो हमें भी किसी टिकटॉकर का बंदोबस्त करना चाहिए जो हमारे वोट भी बढ़ाए। टिकटॉकर साढ़े को टिकटॉकर है। हीर हीर अबा जी, हीर ने बड़ा अच्छा कहवा बनाया सिफी। ले हीर ने कहवा बनाया भाई, ऐसे पठान बना देने। हीर ने किथे जाके जड़ी बुटियां बुटियां होंगी जंगल च। पर रस आहा, हीर जो अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यार का रस घोलती है ना, इट्स अनबीरेबल। और खबरदार, अस्तगफिरुल्लाह, खबरदार बीड़ का नाम ना लेना बुजुर्ग बैठे हुए। ओए बट जी उसने कुछ और कहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं यार, क्या कर रहे हो। वैसे जैन पुत्र तूने बात बिल्कुल ठीक की है, मेरी जो बेटी है ना बहुत ही पाकों वाली है, मैं तो बस चाहता हूँ कि इसके हाथ जल्द से जल्द पीले कर दे। क्या? इट्स ओके हीर, ना जी मीदा जी, मगर आप मुझको एक बात बताएं, आपने हमारी तीड़ानी के लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा है, कोई वर देखा है अच्छा सा वर? अब्बू अभी तो मैंने बीए के पेपर्स दिए, इसलिए नॉट नाउ। ओ हीर पुत्र, क्या मतलब नॉट नाउ? और जब प्यू ने कह दिया बच्चे प्यू की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, जब मैंने कह दिया तो कह दिया ना। मीद जट साहब ना, ये जो रोब दबदबा होता है ना जी, ये आप अपने वोटरों पे डाल सकते हैं, अपनी औलाद पे नहीं। तो और की क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? नहीं जो करना चाहती तो बस ही कर दे, बेचा तो। देखें जी, वैसे भी हमारे खानदान में हम अपनी बच्चियों को जबरदस्ती वक्त से पहले नहीं तोड़ देते, बस। I like it दादा। Absolutely दादाजी। और आपको पता है अभी तो मुझे जॉब भी करनी है, अपने खुद के पैरों पे खड़ा भी होना है, फिर देखी जाएगी शादी की। हाँ हाँ, जॉब करनी है ना पुत्र, वो पढ़ क्यों रही है, जॉब करेगी तो मेरा मतलब है। हीर जी, I will hire you and I will fire you। और तू कसम चुकी ही है कि बड़ियां दी हर गल च दखल अंदाजी करनी है। ओए बाटर जी, उसने ऐसी कौन सी बात कर दी है, उसने जॉब ऑफर की है, करोड़पति आदमी है वो। और वैसे भी दादाजी हीर ठीक कह रही है, अभी तो हीर ने अपने चाचे रशीद का ब्याह भी तो देखना है ना। अच्छा, उसके बाद हीर की शादी होगी? हाँ जी। ये तो फिर ना होने वाली बात हुई ना। है? गाली ठीक की थी। अरे अरे तू भी। लो जी,
बहुत शुक्रिया आपका, इतना पुरतकल्लफ आपने जो खाना किया हमारा, बड़ी मेहरबानी। भट साहब इजाजत लेइए हुन, की कहंदे हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, शुक्रिया तो आपका हमें अदा करना चाहिए कि आप हमारे घर तशरीफ लाए हैं। मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि हम दोनों खानदान जो है इकट्ठे बैठ के रोटियां छोटियां खा लिया करें, तो मेरी दुआ है कि आइंदा ये सिलसिला जारी रहे और ये मोहब्बतें जो हैं ये बढ़ती रहे हमारे खानदानों के दर। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी अब चलना ही चाहिए, बट यार किसके खाया पिया किसके पर आप लोगों के आने से ना खाने का मजा दुबाला हो गया। मैं कहता हूँ जी अगली बार आएंगे तो शड़बाला होगा। मेरे साथ ओ चल तेड़ा ही सही। बाइट साहब माफ करना मेरे पुत्र की टाइमिंग थोड़ा आउट है। Like jalebi,